विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर किन्नौर के लोगों और विभिन्न संगठनों ने बेहतर योगदान दिया। जिले से 70 लाख से अधिक राशि कोविड फंड के लिए जमा हुई। इस बात का खुलासा हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बेहतर काम किया है। किन्नौर भाजपा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में लक्ष्य से बढ़कर अंशदान किया है। जिले से भाजपा संगठन ने ही कोविड फंड के लिए 28 लाख रुपए की राशि भेजी है, जबकि लक्ष्य छोटे बूथों के लिए 2600 और बड़े बूथों के लिए 5100 था, लेकिन किसी भी बूथ ने 25,000 से कम राशि नहीं जुटाई। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा संगठन मंत्री के खिलाफ तोड़ मरोड़ कर बयान प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने एक वरिष्ठ विधायक का नाम लिए बगैर कहा कि इस तरह का संगठन पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा संगठन से भी मांग की है कि इस तरह अनुशासनहीनता अपनाने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में संगठन के प्रति इस तरह गलत बयानबाजी ना हो। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में विकास निरंतर जारी है। हमने बूथों में 2600 छोटे बूथ में और 5100 बड़े बूथ में टारगेट किया, लेकिन मैक्सिमम बूथों में जो है 25,000 50,000 और टारगेट से ज्यादा ही लोगों ने सहयोग किया, और यही कारण है कि लगभग 28 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी किन्नौर की ओर से हिमाचल और केंद्र को जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और सीएम रिलीफ फंड में हम देने में जो है किन्नौर ही एक छोटा सा जिला जो है उसमें सफल हुआ है।